हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मेघा जिंदल, डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको जयपुर का बहुत ही अमेजिंग रिजॉर्ट विजिट कराने वाले हैं, जो एयरपोर्ट से लगभग 45 किलोमीटर्स की दूरी पर है और ये बहुत ही लार्ज एरिया में, जी हाँ, 42 एकर्स के वास्ट एरिया में बना हुआ है, जिसका नाम है लोहागढ़ फोर्ट रिजॉर्ट। तो यहाँ पर आपको रूम्स की एक डिसेंट इन्वेंट्री मिलती है, मल्टीपल वेन्यूज मिलते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए ये वेन्यू कैसा है, आइए जल्दी से इसे एक्सप्लोर करते हैं। ये है मेन चेकिंग पॉइंट, बेसिकली दिस इज द मेन एंट्रेंस टुवर्ड्स द वेन्यू। तो अभी हम आ चुके हैं लोहागढ़ फोर्ट रिजॉर्ट में। आप देख सकते हैं ये इनका मेन पोर्च है, यहीं पे वैलेटी मिल पार्क योर कार एंड कलेक्ट योर लगेज, एंड यहाँ पर इस तरह से ट्रेडिशनल राजस्थानी वेलकम भी मिलता है। भाई, राजस्थान में आए हैं और राजस्थानी ट्रेडिशनल वेलकम ना मिले तो क्या ही फील आता है। तो यहीं से अब हम आपको दिखाने वाले हैं रिजॉर्ट की मेन लॉबी। यहां पर लॉबी से पहले आपकी हेल्प डेस्क लग जाती है, जो आपकी इवेंट टीम लगाएगी। तो अभी हम आ चुके हैं मेन लॉबी में। लॉबी में आते ही आपको वेलकम ड्रिंक सर्व किया जाता है। काफी ट्रेडिशनल इंटीरियर्स आपको लॉबी में मिलते हैं। ये है रिसेप्शन डेस्क, जहां पर आपके चेक इन और चेकआउट होने वाले हैं। यहां पर लॉबी को स्वागत कक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर आपके केस का वेलकम भी किया जाता है। मेन पोर्च के साथ ही इन्होंने यहाँ पर स्पेशली एक शाही सड़क बनाई हुई है। सो बारात प्रोसेशन के लिए भी यहाँ पर एक अलग से इन्होंने शाही सड़क बनाई हुई है। यहाँ पर आप अपना वॉक पे ये पूरा यूज कर सकते हैं, जो आपको सीधा कृष्णांगन, जो मेन शादी का वेन्यू है, वहाँ तक लेकर जाता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है तोरण गेट। यहीं पे गर्ल्स साइड ग्रूम साइड का वेलकम करती है। तो मेन पोर्ट से ये जो पाथवे आ रहा है, यहीं से आप अपने वेडिंग वेन्यू पर आते हैं, जिसका नाम है कृष्णांगन। ये आपका मेन वेडिंग वेन्यू का मेन पोर्च रहने वाला है। यहीं पे गर्ल साइड आपका वेलकम करेगी। एंड अगर आप घोड़ी से अपनी बारात प्लान कर रहे हैं, तो ये घोड़ी पोल है, घोड़ी द्वार है, यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। लेकिन राजस्थानी स्टाइल में अगर आप हाथी या फिर विंटेज कार से अपनी बारात प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए ये एक हाथी द्वार अलग से बनाया हुआ है। तो ये जो पैसेज आप देख रहे हैं, ये कृष्णांगन की मेन एंट्री रहने वाली है। यहीं से सारे गेस्ट और बारात एंट्री करेंगी। एंड यहाँ पर आपको इन हाउस टेम्पल भी मिल जाता है, तो आपको कहीं भी बाहर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो आपके कोई भी रिचुअल्स हैं, कोई पूजा है, तो वो आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वेन्यू में आपको ऑलरेडी लगे हुए 2 स्टेजेस मिल जाते हैं। एक तो स्टेज ये जो आप मेरे लेफ्ट पर देख रहे हैं वो, एंड एक ये रहा राइट में। सो गाइस, यहाँ पर वेडिंग वेन्यू में आपको बहुत ज़्यादा अपने एलिमेंट्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी एलिमेंट्स लगाए हुए हैं। ये जो पैसेज आप सारा देख रहे हैं, यहाँ से ग्रूम आते हैं, एंड वहाँ से वो जो आप देख रहे हैं, वहाँ से ब्राइड आती है, एंड देन यहाँ से आप पैसेज क्रिएट करके वहाँ जो ऊपर आप एरिया देख रहे हैं, वहाँ पर आप जयमाला परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो शैंडेलियर के ऊपर आप जगह देख रहे हैं, यहीं पर आप अपनी जयमाला कर सकते हैं, एंड यहाँ पर आप मेन कपल स्टेज बना सकते हैं। नीचे इसी स्टेज के जस्ट अपोजिट एक और इनबिल्ट स्टेज आपको यहाँ पर मिल जाता है, जहाँ पर आप अपना परफॉर्मेंस स्टेज प्लान कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर आपको 2 VIP लाउंजेस बने मिल जाते हैं, वन इज ऑन द लेफ्ट एंड वन इज ऑन द राइट।
पैलेशियल बैकड्रॉप्स के साथ ये वेन्यू काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर आप समवेयर अराउंड 400 टू 500 लोगों की गैदरिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम आपको दिखाने वाले हैं सूरजमल बैंक्वेट हॉल, जो कि आपके वेडिंग वाले लॉन के बिल्कुल साथ ही है। यहीं पर आपके ऊपर जो आपका एक लेवल ऊपर आपकी जयमाला होने वाली है। तो अगर कहीं भी आपको वेदर का इशू होता है, बारिश का इशू है, तो आप यहां पर भी अपना वेडिंग का फंक्शन प्लान कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा पिलरलेस हॉल है, ट्रेडिशनल इंटीरियर्स के साथ है। हाइट भी इस हॉल की काफ़ी अच्छी है। तो ये बैंक्वेट काफ़ी ब्यूटीफुल है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको इनबिल्ट स्टेज का बैकड्रॉप मिल जाता है। यहाँ पर आप अपना स्टेज प्लान कर सकते हैं। एंड जो दूसरी वॉल्स हैं, ये आपकी इसी के जस्ट अपोजिट, तो यहाँ पर आपका फूड सर्व होने वाला है। तो इसी सूरजमल बैंक्वेट से ये स्टेयर्स जा रही है, जो आपको ऊपर जयमाला वाले वेन्यू तक ले जाती है। तो अब हम आपको कृष्णांगन मेन वेडिंग वेन्यू से एक और वेन्यू की तरफ लेकर चलते हैं। तो अभी हम लोग आपको लोहागढ़ फोर्ट में आपके संगीत का वेन्यू दिखाने वाले हैं, जिसका नाम है महाराजा बाग। तो ये है महाराजा बाग। आउटडोर लॉन है, काफी लश ग्रीन है, वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पर आप अपना फूड सर्व कर सकते हैं। इसके साथ ही बिल्कुल इसके अपोजिट आप अपना मेन स्टेज या परफॉर्मेंस स्टेज यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर भी आप समवेयर अराउंड 350 टू 400 लोगों की गैदरिंग इजीली कर सकते हैं। महाराजा बाग के साथ ही आपको एक और कवर स्पेस मिल जाता है, जिसका नाम है शीश महल, जहां पर आप अपनी सहराबंदी या फिर मायरा भात जैसे स्मॉल फंक्शंस कर सकते हैं। तो सीटिंग भी यहां पर ऑलरेडी दी गई है। सो जैसा कि इस वेन्यू का नाम है शीश महल, तो यहाँ पर उसी तरह से शीशे का एक डिसेंट काम किया गया है। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इस वेन्यू की हाइट कम है, बट इट्स डिसेंट इनफ फॉर योर फंक्शंस। तो फ्रेंड्स, अभी हम आपको मंडप के लिए जगह दिखाने वाले हैं, जो यहाँ पर स्पेशली अलग से दी गई है, जिसे ये कहते हैं जल मंडप। तो ये जो आप प्लेटफॉर्मिंग देख रहे हैं राउंड शेप की, यहाँ पर आपका मंडप लगने वाला है। ये प्लेटफॉर्मिंग वाटर बॉडी के बिल्कुल ऊपर बनी हुई है। तो ये जो वाटर बॉडी है, उस टाइम पर पूरी पानी से फिलअप कर दी जाती है। एंड ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स कि अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे अपने फेरास करते हैं, तो वो बहुत शुभ होता है। तो यहाँ पर 200 ईयर्स ओल्ड पीपल का पेड़ भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको जो 5 एलिमेंट्स फेरास के लिए ज़रूरी होते हैं, लाइक आपका जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, तो वो 5 कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर एक साथ मिलते हैं। जल मंडप के साथ ही जब हम शिकारगाह रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको स्मॉल फिश पॉन्ड भी देखने मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये है शिकारगाह रेस्टोरेंट, जहाँ पर गेस्ट अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने वाले हैं। थोड़ा सा फॉरेस्ट थीम पर आप देख सकते हैं, ये रेस्टोरेंट बहुत ही ज्यादा स्टनिंग है। इस तरह से इसको मचान लुक दी गई है सीटिंग के लिए। तो अभी हम आपको हल्दी के लिए वेन्यू दिखाने वाले हैं, जिसका नाम है महारानी बाग। तो ये बिल्कुल पूल साइड के साथ ही में है। यहाँ पर आप अपनी हल्दी का फंक्शन रख सकते हैं। तो यहाँ पर महारानी बाग में आप इजीली 150 टू 200 लोगों की गैदरिंग कर सकते हैं। महारानी बाग के साथ में ही आपको एक लार्ज आउटडोर पूल मिल जाता है। तो यहाँ पर भी आप अपना समर्स के टाइम पे अगर आप वेडिंग प्लान कर रहे हैं, तो एक फंक्शन रख सकते हैं।
तो यहाँ पर लोहागढ़ रिजॉर्ट में आपको मल्टीपल वेन्यूज मिलते हैं। अभी हम लोग अरावली बाग में हैं, बहुत ही अच्छा लश ग्रीन लॉन है, ये क्लोज टू नेचर है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पर आपको सराउंडिंग जो है वो अरावली की मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप या तो अपनी मेहंदी का फंक्शन प्लान कर सकते हैं या फिर आपके जो सन डाउनर फेराज हैं वो आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। काफ़ी लार्ज आउटडोर लॉन है तो यहाँ पर गैदरिंग का कोई इशू नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर गैदरिंग प्लान कर सकते हैं। तो ये जो आपका रिजॉर्ट है 42 एकर्स के वास्ट एरिया में बना हुआ है, तो यहाँ पर ऑल द टाइम पैदल चलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमने यहाँ पर लिए गोल्फ कार्ट, तो आइए अब हम आपको इनके रूम्स एंड स्वीट सिखाते हैं। तो यहाँ पर लोहागढ़ रिजॉर्ट में आपको टोटल रूम्स की इन्वेंट्री 90 मिल जाती है, तो अप्रोक्सीमेटली आप 250 गेस्ट तक गैदरिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं इनके इंडोर पूल स्वीट्स, जो इनके पास इन टोटल 4 हैं। तो ये आप अपने ब्राइड एंड ग्रूम की फैमिलीज को दे सकते हैं। थोड़ा सा फॉरेस्ट थीम पे बना हुआ है ये रूम, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। जो इनका बेड है वो भी स्टोन का, इन्होंने जो होता है मार्बल का पत्थर उस पर बनाया हुआ है। तो ये है इनका इंडोर पूल। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं लोहागढ़ रिजॉर्ट के कॉटेजेस विद मिनी पूल। चूंकि ये कॉटेज है तो यहाँ पर इसका जो लुक एंड फील है वो रस्टिक दिया गया है। ये है इसका वॉशरूम। तो रूम में आपको सारी फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ तो मिलती ही हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया ये रस्टिक थीम पे बेस्ड है रूम। यहाँ पर आपको काफ़ी रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर मिलता है। इस कॉटेज की एक और ख़ास बात है कि ये आपको एक मिनी पूल के साथ मिलता है। नो मैटर्स की वेदर क्या है, आप अपने पूल को इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आपको सुजान महल दिखाने वाले हैं। बेसिकली इस क्लस्टर में आपको आपके डीलक्स रूम मिल जाते हैं, जो कि इनके बेस कैटेगरी के रूम से, और आपके मेजर गेस्ट को यही रूम अलॉट होने वाले हैं। तो अभी हम आपको सुजान महल के डीलक्स रूम दिखाने वाले हैं। तो ये है डीलक्स रूम का वॉशरूम। जैसा कि आप सब देख रहे हैं ये स्पेशियस तो है ही, यहाँ पर आपको बाथटब भी मिलता है। यहाँ पर आपको डिसेंट इनफ इंटीरियर्स मिल जाते हैं, सारी फैसिलिटीज और एमिनिटीज तो मिलती ही हैं। रूम में आपको बेल्कनी भी मिल जाती है। रूम का व्यू भी काफी ब्यूटीफुल है, लश ग्रीन है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं महाराजा स्वीट, जो कि आप ग्रूम की फैमिली को दे सकते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं महाराजा स्वीट काफ़ी स्पेशियस है। महाराजा स्वीट एक ग्रैंड 2 रूम स्वीट है, जो कि ट्रेडिशनल आर्ट और मॉडर्निटी को ब्यूटीफुली कंबाइन करता है। यहाँ पर आपको किंग साइज महाराजा बेड मिल जाता है। महाराजा स्वीट का वॉशरूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। ऑफ कोर्स स्वीट है तो यहाँ पर आपको सारी टॉयलेटरीज और एमिनिटीज तो मिलने ही वाली हैं। रूम के इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर आपको एक अच्छा वॉल आर्ट, ड्रेप्स, आर्किटेक्चरल पिलर्स मिल जाते हैं, जो एक अच्छा एम्बियंस क्रिएट करते हैं। यहाँ से आपको व्यू भी काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट का एक और ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी अपना ब्रेकफास्ट या कोई भी स्मॉल रिचुअल प्लान कर सकते हैं।
तो ये था लोहागढ़ रिजॉर्ट, जहाँ पर आपको रूम्स की एक अच्छी इन्वेंट्री मिल जाती है। यहाँ पर आप 250 गेस्ट तक की अपनी गैदरिंग कर सकते हैं, मल्टीपल वेन्यूज मिलते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलती हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब और हमें दोनों को पता चलना चाहिए कि आप भी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए अपना वेन्यू ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर लोहागढ़ फोर्ट रिजॉर्ट में आप डेस्टिनेशन वेडिंग के पैकेजेस के लिए एंड वेडिंग प्लानिंग के लिए हमें नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नए डेस्टिनेशन वेडिंग वेन्यू पर।